हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी 2 मशीन्स में से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को प्रोसेस करना चाहती है तो वो किस तरह से अपनी मशीन्स का सीक्वेंस डिसाइड कर सकती है, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम हमारी मशीन का प्रॉपर और 100% यूटिलाइजेशन कर सके, किसी भी टाइम मशीन आइडल ना पड़ी रहे, वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके, कॉस्ट मिनिमाइज की जा सके, प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। सिमिलरली, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी 3 मशीन्स में से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को प्रोसेस करना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कंप्लीट करना चाहता है, तो कौन सी मशीन में से पहले वर्क हो और कौन सी मशीन में से लास्ट में वर्क हो, वो एक सीक्वेंस डिसाइड करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहां पर 3 से ज्यादा मशीन्स होती हैं और 3 से ज्यादा मशीन्स का सीक्वेंस डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 से ज्यादा मशीन्स में अपने डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को, डिफरेंट डिफरेंट वर्क को प्रोसेस करना चाहती है तो कौन सी मशीन को पहले यूटिलाइज करना है और कौन सी मशीन को लास्ट में यूटिलाइजेशन करना है, ये आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा होगा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑफ एन जॉब्स टू एम मशीन्स, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, मोर देन 3 मशीन्स। मोर देन 3 मशीन्स का मतलब है कि वो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं या 6 भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमारा आज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ एन जॉब्स, मतलब कितनी भी जॉब्स हो सकती हैं, टू एम मशीन्स, यानी मशीन्स जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ मशीन्स, जितनी भी हो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी ना टर्म्स एंड कंडीशंस हमें समझ लेनी चाहिए, यानी अगर किसी क्वेश्चन में 3 से ज्यादा मशीन्स आपको दी हुई हैं और सीक्वेंस डिसाइड करने को बोला है तो आपको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। अगर तो वो कंडीशंस सेटिस्फाई हैं तो आप अपने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए हम एक अलग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। आज हम सिर्फ उसी लेक्चर की बात कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारी जो सीक्वेंस है वो डिसाइड हो जाएगी। तो चलिए, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स का ये पार्ट है। लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर्स जो अब तक हमने अपलोड किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एन जॉब्स टू एम मशीन्स। एन जॉब का मतलब है जितनी मर्जी जॉब्स हो सकती हैं और एम मशीन्स का मतलब है जितनी मर्जी मशीन्स पूछी जा सकती है। तो आज का ये क्वेश्चन चाहे 4 मशीन्स हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 मशीन्स हो, सभी पे ये कंडीशन अप्लाई। और कंडीशन बहुत ईजी है। फर्स्ट कंडीशन है, मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन मस्ट बी इक्वल्स टू और मोर देन मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी मशीन एक्सेप्ट लास्ट मशीन। अब ये कंडीशन याद करना बहुत ईजी है। यहां पर आपको कह रहे हैं जो फर्स्ट मशीन है ना, उसका मिनिमम टाइम आपने साइड पे निकाल के रख लेना। तो मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन, जो भी आपको फर्स्ट मशीन दी होगी उसका, ए बी सी में ए आपकी फर्स्ट मशीन है, 1, 2, 3 में से फर्स्ट आपकी फर्स्ट मशीन। तो फर्स्ट मशीन का जो मिनिमम टाइम है वो या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। किसके? मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी मशीन एक्सेप्ट लास्ट मशीन। लास्ट मशीन को छोड़ के बीच वाली जितनी मशीन्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी जितनी भी मशीन्स हैं, उनका मैक्सिमम टाइम आपने यहां पर लिखना है। मैक्स टाइम ऑफ
रेस्ट मशीन्स। रेस्ट मशीन्स का मतलब यहां पर क्या है? रेस्ट मशीन्स का मतलब है कि पहली और आखिरी मशीन को छोड़ के, पहली मशीन का तो हमने मिनिमम टाइम लिया है, आखिरी मशीन हमने छोड़ देनी है, उसको छोड़ के बीच की बाकी सभी मशीन्स का मैक्सिमम टाइम हमें यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है। अगर किसी भी मशीन का मैक्सिमम टाइम फर्स्ट मशीन की मिनिमम टाइम के इक्वल है, या फिर फर्स्ट मशीन का मिनिमम टाइम बाकी सभी मशीन्स के मैक्सिमम टाइम से ज्यादा है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपने फर्स्ट मशीन का जो मिनिमम टाइम है वो निकाला है 3 मिनट्स। बाकी जो बची हुई मशीन्स हैं, मान लो आपके पास टोटल 6 मशीन है, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 मशीन्स है, तो आपने फर्स्ट मशीन का तो यहां पर मिनिमम टाइम लिख दिया जो कि 3 है, लास्ट मशीन को आपने अभी यहां पर इंक्लूड नहीं करना है, तो बची हुई मशीन्स कौन है? बी सी डी ई, इनका आपने मैक्सिमम टाइम लेना है। अगर किसी भी एक मशीन का मैक्सिमम टाइम इस मिनिमम टाइम के इक्वल हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। मान लो मशीन बी का जो है वो मैक्सिमम टाइम आया 2, मशीन सी का मैक्सिमम टाइम आया 3, मशीन डी का मैक्सिमम टाइम आया 4 और मशीन ई का मैक्सिमम टाइम आया 7, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि देखो एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, हमारी कंडीशन क्या थी? या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। तो देख लो 3 ज्यादा है 2 के कंपैरिजन में, 3 और 3 यहां पर इक्वल है, इन दोनों का ज्यादा है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है? ऑल मशीन्स तो नहीं लिखा ना, ऑल मशीन्स के साथ हमें मैच नहीं करना है। किसी भी एक मशीन का अगर मैक्सिमम टाइम फर्स्ट मशीन के मिनिमम टाइम के इक्वल हो जाता है या फिर कम पड़ जाता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो? अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसको छोड़ दो, सेकंड कंडीशन के ऊपर जंप करो, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्वेश्चन फिर आपको अलग ढंग से सॉल्व करना होगा, उसका लेक्चर हम नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है? मिनिमम टाइम ऑफ लास्ट मशीन। अब यहां पर लास्ट मशीन कौन सी है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग? एफ। तो एफ का यानी लास्ट मशीन का हमें मिनिमम टाइम लेना है। बाकी जो मशीन्स है उनमें से फर्स्ट मशीन को छोड़ के बाकी सभी मशीन्स का यहां पर मैक्सिमम टाइम लिया जाए। तो जैसे मान लो कि जो लास्ट मशीन है उसका मिनिमम टाइम है 4, बाकी जो मशीन्स हैं बी सी डी ई उनका टाइम तो हमने यहां पर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 7, ये उन सबका मैक्सिमम टाइम है, या तो ये ज्यादा हो या फिर इक्वल हो। तो यस, 4 ज्यादा है 2 के कंपैरिजन में, 4 अगेन ज्यादा है 3 के कंपैरिजन में, 4 और 4 इक्वल है, 7 ना ही इक्वल है ना ही कम है, बड़ा है ये 4 से। तो हमें क्या है यहां पर? ऑल मशीन्स थोड़ी लिखा है, एनी मशीन, किसी एक भी मशीन के साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये कंडीशन अब आपको पता चल गई होगी, यानी सिंपल है, जो पहली मशीन है और जो आखिरी मशीन होगी उनका मिनिमम टाइम आपने लेना है, बाकी बची हुई बीच की मशीन का इनका मैक्सिमम टाइम आपने कंपेयर करना है फर्स्ट और लास्ट वाली के मिनिमम टाइम के साथ। यानी मशीन ए का कौन सा टाइम लिया जाएगा? मिनिमम। मशीन एफ का जो लास्ट मशीन है उसका भी कौन सा टाइम लिया जाएगा? मिनिमम। फिर इसको किसके साथ कंपेयर किया जाएगा? बीच की सभी मशीन्स की मैक्सिमम टाइमिंग के साथ। तो कॉन्सेप्ट इजी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम अब इन मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे 3 मशीन्स के साथ किया था वैसे यहां पर भी करेंगे। तो अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है ना, तो अब हम इन मशीन्स को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे 5 मशीन हो चाहे 6 मशीन वाला क्वेश्चन हो, हम इसको 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? आपकी फर्स्ट मशीन का आंसर कहां से आएगा?
जब आप सभी मशीन्स के टाइम को प्लस कर दोगे एक्सेप्ट द लास्ट मशीन, यानी मशीन ए बी सी टी और ई, इन सबकी मशीन्स की टाइमिंग को आप प्लस कर दो, आपके पास मशीन वन का डाटा आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड मशीन का डाटा आपके पास कहां से आएगा, फर्स्ट मशीन की वैल्यू को छोड़ के बाकी बची हुई मशीन की सारी वैल्यूज को टाइम को प्लस कर दो, इन मशीन का आंसर भी आ जाएगा। तो ए मशीन छोड़ दो, बी सी डी ई एंड एफ, इन मशीन्स की टाइमिंग को प्लस कर दो। जो प्लस करके आएगा यहां पर वो होगा मशीन वन, जो प्लस करके आएगा यहां पर वो होगा मशीन बी, यानी कि सेकंड। तो हम कितने भी मशीन वाला क्वेश्चन आए उसको हम टू मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिक्स मशीन्स को टू मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया, तो टू मशीन्स में सीक्वेंस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही है ना, याद होगा आपको। अगर मशीन वन में से आपका टाइम कम आता है, अगर मशीन वन में से आपका टाइम कम आता है तो आपकी वो टाइमिंग कहां से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से। मशीन ए की टाइमिंग अगर कम आ रही है तो लेफ्ट साइड से, हाँ अगर मशीन बी में से टाइमिंग कम आ रही है तो राइट साइड में से आपका स्टार्ट होगा मशीन बी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं इसलिए आपको ये आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो पिछला लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां से ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिलेगी। चलिए अब इतनी सारी मशीन हमने टू में कन्वर्ट कर दी तो सीक्वेंस भी बन जाएगा और सीक्वेंस बनने के बाद हम पूरा टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग फाइव जॉब्स ऑन फोर मशीन्स। फाइव जॉब्स हैं, मशीन फोर्स हैं। द मशीनिंग ऑफ ईच जॉब इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर ए बी सी डी। अब यहां पर हमें ऑर्डर दिया हुआ है ए बी सी डी तो हम इसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दिया होता तो भी हम इसी ऑर्डर को फॉलो करते। हाँ अगर ऑर्डर अलग दिया होता सी बी डी ए ऐसा कुछ तुम उस सीक्वेंस में अपना परफॉर्म करते। एंड द प्रोसेसिंग टाइमिंग्स आर एज फॉलोस, यानी कौन सी जॉब पहले परफॉर्म की जाएगी कौन सी जॉब बाद में परफॉर्म की जाएगी, अब हमें उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट मशीन है उसका मैक्सिमम टाइम सॉरी मिनिमम टाइम, और जो लास्ट मशीन है उसका भी हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, मिनिमम टाइम। तो मशीन ए यहां पर दी हुई है 7, 8, 5, 11, 6, तो इसका मिनिमम टाइम हमारे पास है 5, और लास्ट मशीन का मिनिमम टाइम है 5, 4, 6, 3, 2, ऑब्वियसली 2। इनका हमारे पास क्या आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम। तो इसका मैक्सिमम टाइम क्या है 2, 1, 3, 4, 1, 4, और इसका मैक्सिमम टाइम क्या है मशीन सी का 2, 3, 3, 1, 2, यानी कि 3। तो अगर हम यहां पर अपनी कंडीशन को एक बार चेक कर ले तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए कितना है 5, या तो वो इक्वल होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए मशीन बी के मैक्सिमम टाइम से। मशीन बी का मैक्सिमम टाइम कितना है 4 है, और सिमिलरली मशीन सी के मैक्सिमम टाइम से भी वो ज्यादा होना चाहिए। मशीन सी का मैक्सिमम टाइम कितना है 3, तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड है, 5 ज्यादा है एज कंपेयर टू 4, 5 ज्यादा है एज कंपेयर टू 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्योंकि आपकी पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चेक करनी है तो सेकेंड कंडीशन क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन डी जो कि है 2, वो या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, मशीन बी के जो कि 4 है और जो कि 3 है। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि
टू ज्यादा नहीं है फोर से, टू ज्यादा नहीं है थ्री से, टू तो छोटा है, तो यहां पर नॉट सेटिस्फाइड। सर क्या अब आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि नॉट सेटिस्फाइड आ गया? भाई दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इन फोर मशीन्स को आप कन्वर्ट करोगे टू मशीन्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट मशीन आपकी आएगी ए बी और सी को प्लस करके। तो यहां पर मैं साथ में जॉब भी लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ जॉब तक हमने परफॉर्म करना है। पहली मशीन का डाटा हमें कैसे मिलेगा? 7 + 2 + 2 + 5, तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16। तो ऐसे ही सेकंड जॉब के लिए आपको, सॉरी आपको 5 यहां पर प्लस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो नेक्स्ट मशीन का पार्ट है ना, तो यहां पर 11 ही आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो गलती हमने की वो रिपीट ना हो। ऐसे ही सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 8, 1 और 3, ये कितना आ जाएगा? 12। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, आपको समझ आ चुका है। 12 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11, देन 16 और लास्ट हमारे पास आएगा 9। सिमिलरली सेकंड मशीन का डाटा आपको कहां से मिलेगा? जब आप ए को छोड़ के मशीन बी सी और डी को प्लस करो, तो मशीन ए यानी ये पहला सीक्वेंस हटा दो, उसके बाद नीचे वाले को प्लस करना शुरू करो, 2 और 2 4, 4 + 5 9। तो ऐसे बाकी सब भी आप कर लोगे, 9, 8, 12, 8 and 5। तो अब ये आपकी मशीन्स टू मशीन्स में कन्वर्ट हो गई। टू मशीन्स में कन्वर्ट करने के बाद अब आप इसका सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। सीक्वेंस किस तरह से डिसाइड होता है? सिंपल है, अगर इस मशीन में से मिनिमम टाइम आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, अगर इस मशीन में से कम टाइम आ रहा है तो आप यहां राइट साइड से यानी एंड से स्टार्ट करोगे। तो सबसे कम टाइम कहां पर है? इसमें से सबसे कम टाइम है 9, इसमें से सबसे कम टाइम है 5। तो इसका मतलब पहले हम इस जॉब को ही परफॉर्म करेंगे, तो इसको यहां पर मैंने कट कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया 5, यानी फिफ्थ नंबर की जो जॉब है वो लास्ट में परफॉर्म की जाए। इसके बाद सबसे कम टाइम किसमें है? दो जगह है, 8 और 8। पहले हम किसको परफॉर्म करें? ऑब्वियसली 2, क्योंकि 2 4 से पहले आता है ना। अच्छा, सो 8 सबसे कम टाइम है इसलिए हम इसको सबसे पहले परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी मशीन में से है? मशीन सेकंड में से। तो कहां से स्टार्ट होगा? राइट हैंड साइड से। तो 5 से पहले परफॉर्म की जाएगी 2। इसके बाद सबसे कम टाइम किसमें है? मशीन 4 में। इसको कट कर दो, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। इसके बाद कौन सी मशीन बची? फर्स्ट और थर्ड। सबसे कम टाइम किसमें है? तो ऑब्वियसली यहां पर सबसे कम टाइम जो है वो फर्स्ट में है। वो फर्स्ट कौन सी मशीन में है, मतलब कम टाइम कौन सी मशीन में है? सेकंड वाली मशीन में है ना, तो इसका मतलब अगेन लास्ट से स्टार्ट होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1। इसके बाद कौन सी मशीन बची? ऑब्वियसली एक ही बची है ये, तो इसको यहां कर दे। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया, 3 1 4 2 5। बहुत ही ईजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आपने मशीन्स को टू में कन्वर्ट किया, टू मशीन्स के बाद अगर कम टाइम मशीन टू में से आ रहा है तो राइट से स्टार्ट करना है, और अगर मशीन का कम टाइम वन से आ रहा है, मशीन वन से कम टाइम आ रहा है तो आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट। अब क्योंकि आपका सीक्वेंस डिसाइड हो चुका है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे जॉब्स। तो जॉब का सीक्वेंस जो हमने डिसाइड किया था वो है 3 1 4 2 और लास्ट है 5। यहां पर हम डिवीजन कर देते हैं ताकि बाद में कोई
लफड़ा ना हो, कोई लोचा ना हो। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें यहां पर पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमारे पास आता है कौन सी मशीन, मशीन ए। देन इसके बाद आएगी मशीन बी। मशीन ए का ये इन टाइम हो गया और ये मशीन ए का आउट टाइम हो गया, यानी कितने पे स्टार्ट होगी और कितने पे बंद होगी। मशीन बी कितने पे स्टार्ट होगी और कितने पे बंद होगी, इन और आउट टाइम। और यहां पर हम लिखेंगे आइडल टाइम, यानी कितनी देर वो फ्री रही। ऐसे ही फिर मशीन सी, इन टाइम, आउट टाइम और इसके साथ ही आइडल टाइम। और ऐसे ही मशीन डी, इन टाइम, आउट टाइम और साथ में आइडल टाइम। बस अब हमें करना क्या है, हमारे पास यहां पर सारा दिया हुआ है कि कौन सी मशीन में से कौन सी जॉब को कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो बस अब हमें इसको फॉलो करना है। तो जल्दी से, सबसे पहले मशीन ए में हम थर्ड जॉब को परफॉर्म करेंगे। तो थर्ड जॉब हमारे पास ये है, मशीन ए में इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स। तो ये स्टार्ट हुई 0 पे, फिनिश हुई 5 पे। अब थर्ड जॉब जो है वो पहले मशीन ए पे गई, मशीन ए ने जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया तब तक मशीन बी तो काम कर नहीं सकती ना। मतलब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसको फुल एंड फाइनल करने के लिए, जिसको फिनिश करने के लिए हमें ए बी सी डी चारों मशीन में से गुजारना है। और सीक्वेंस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहले मशीन ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसी सीक्वेंस में कोई भी जॉब हो वो इसी सीक्वेंस में परफॉर्म की जाएगी, क्वेश्चन में गिवन था। तो हम डायरेक्टली सीधा डी को नहीं दे सकते, सीधा बी को नहीं दे सकते, सीधा सी को भी ये जॉब नहीं दे सकते। पहले थर्ड नंबर की जॉब मशीन ए में से निकलेगी। जब तक ए कंप्लीट नहीं करता तब तक बी क्या कर रहा था, वो वेट कर रहा था। तो 5 मिनट्स तक या 5 आवर्स तक मशीन बी आइडल रही, फ्री रही। हमारे पास बी मशीन थी, फैक्ट्री में लगी हुई थी, लेकिन 5 घंटों से वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि मशीन ए ने अभी काम कंप्लीट किया नहीं। तो इसलिए मशीन बी का इन टाइम क्या होगा, 5। वो 0 पे स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसने 5 घंटे वेट किया। अब ऐसे ही जो थर्ड जॉब है यहां से कंप्लीट हो गई, अब मशीन बी में जाएगी। मशीन बी में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट लगेंगे। 3 इसमें प्लस कर दो, 5 + 3 = 8 हो गए। ऐसे ही जब तक मशीन बी में से वो जॉब कंप्लीट होके नहीं निकलती तब तक मशीन सी स्टार्ट कर ही नहीं सकती, यानी मशीन सी को 8 घंटे के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि मशीन बी ने अभी काम कंप्लीट किया ही नहीं। तो 8 घंटे मशीन सी को वेट करना पड़ा। इसके बाद ये जॉब, ये जो थर्ड नंबर की जॉब है, ये मशीन सी में से गुजरेगी। कितना टाइम लेगी, 3 घंटे। तो मशीन सी जो है वो 8 घंटे पर स्टार्ट हुई और 8 में 3 + 2 = 11 घंटे में जाके ये बंद। सिमिलरली जब तक मशीन सी में काम कंप्लीट नहीं होता तब तक डी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो डी को 11 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ा। 11वें घंटे में ये जब स्टार्ट हुई तो इसने अपना काम कब कंप्लीट किया, 6 घंटे के बाद, यानी 17 पर। तो ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस आपको सभी जॉब्स के लिए बनाना है। अब मशीन ए में दोबारा आ जाओ। मशीन ए जो है वो फर्स्ट जॉब को स्टार्ट करेगी। कितने पे स्टार्ट करेगी, 5 पे, क्योंकि 5 पे ये फ्री हो गई थी। अब ये 5 पे दोबारा स्टार्ट होगी मशीन ए। क्यों स्टार्ट होगी, फर्स्ट जॉब को प्रोसेस करने के। तो फर्स्ट जॉब ये रही। कितना टाइम लेती है मशीन ए, 7 आवर्स। तो 5 + 7 ये हो गया 12। मशीन बी 8 घंटे में अपना काम करके फ्री हो चुकी थी। तो क्या ये 8 पे स्टार्ट कर सकती है, नहीं। जब तक मशीन ए फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करके खत्म नहीं कर देती तब तक मशीन बी को फिर से वेट करना पड़ेगा। तो इस बार मशीन बी को कितना वेट करना पड़ा, 8 घंटे में काम करके बी
फिनिश हो चुकी थी, फ्री हो चुकी थी, लेकिन 12 घंटे तक उसको वेट करना पड़ा। 8 और 12 के बीच में कितना अंतराल है, कितना डिफरेंस है, 4 घंटे का ना। तो मशीन बी को 4 घंटे के लिए फिर से इंतजार करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखने। तो ये स्टार्ट कब होगी, 12 पे स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, 2 घंटे बाद, यानी कि 14 पर। क्या मशीन सी 11वें घंटे में अपना काम स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि 11 पे ये फ्री हो चुकी थी? नहीं, 14 पे तो बी खत्म हुई है, जब तक बी नहीं खत्म करती तब तक सी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो सी जो है वो 14 पे स्टार्ट करेगी। कितना गैप लेके स्टार्ट किया मशीन सी ने, कितने घंटे इंतजार किया, 3 घंटे। तो थ्री इसका आइडल टाइम है। मशीन सी कब अपना काम खत्म करेगी, 2 घंटे के बाद, यानी कि 16वें घंटे। ऐसे ही मशीन डी जो है वो 17 पर फ्री हुई थी, तो क्या ये 17 पे स्टार्ट कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि मशीन सी ने 16वें घंटे में अपना काम खत्म कर दिया, 17वें पे ये स्टार्ट कर सकती है। क्या मशीन डी को इंतजार करना पड़ा? नहीं, कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। कितने घंटे में डी काम खत्म करेगी? 5 घंटे में। यहां पर देखो साथ में टेबल दिया हुआ है, 5 आवर्स। सो 17 + 5 = 22। ऐसे ही अब हम फोर्थ जॉब को प्रोसेस करेंगे। मशीन ए 12 घंटे तक का काम खत्म कर चुकी है, अब 12वें घंटे में दोबारा से स्टार्ट होगी। किस जॉब को परफॉर्म करने के लिए? जॉब 4 को। और 11 घंटे वो लेगी इस काम को खत्म करने में। तो 12 + 11 ये हो गए 23। मशीन बी क्या 14वें घंटे में अपना काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि मशीन ए ने अभी काम खत्म ही नहीं किया, तो 23 तक इसको वेट करना पड़ेगा। कितने घंटे इसने इंतजार किया? 9 घंटे। तो 9 घंटे ये फ्री बैठी थी। कितने पे ये काम खत्म करेगी? 4 घंटे लगाएगी, यानी 27 घंटे में। क्या मशीन सी 16वें घंटे में काम खत्म करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि 27वें घंटे में तो बी ने खत्म किया है, तो इसको इंतजार करना पड़ेगा। कितने घंटे? 11 घंटे ये फ्री बैठी रही। तो 27वें घंटे में मशीन सी अपना काम स्टार्ट करेगी, और कितने पे खत्म करेगी? 1 घंटे बाद खत्म कर देगी, 28 पे। क्या मशीन डी 22वें घंटे में अपना काम स्टार्ट कर सकती है? क्योंकि 22वें घंटे में मशीन डी का काम खत्म हो चुका था, नहीं कर सकती, उसको 28वें घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कितने घंटे? 6 घंटे। कब ये डी काम खत्म करेगी? 3 घंटे लेगी। तो 28, 29, 30, 31 पे ये काम खत्म कर दी। नेक्स्ट, अब मशीन ए सेकेंड जॉब को प्रोसेस करेगी, 23वें घंटे में स्टार्ट हुई है, 8 घंटे लेगी, 31वें घंटे में काम खत्म कर दी। सिमिलरली अब क्या मशीन बी 27वें घंटे में काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं, 31वें घंटे में तो ए ने खत्म किया है, तो इसको 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 31वें घंटे में बी स्टार्ट करेगी काम, फिनिश कब होगा? 1 घंटे बाद, यानी इस 32वें घंटे में। क्या 28वें घंटे में मशीन सी अपना काम स्टार्ट कर सकती है? अगेन नहीं, क्योंकि 32वें घंटे में बी ने खत्म किया है, तो इसको 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 32वें घंटे में सी अपना काम स्टार्ट करेगी, और कब फिनिश करेगी? 3 घंटे बाद, यानी 35वें घंटे में। ऐसी मशीन डी क्या 31वें घंटे में काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं, 35वें घंटे में सी ने खत्म किया है, जब तक सी खत्म नहीं करता तब तक डी अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती, तो 4 घंटे इसको भी इंतजार करना पड़ेगा। 35वें घंटे में ये काम स्टार्ट करेगी, और 4 घंटे लगाएगी, 39 में खत्म कर दे। अब लास्ट 31वें घंटे 31 में मशीन ए स्टार्ट होगी, 6 घंटे में काम खत्म कर देगी। 37 पे क्या मशीन बी स्टार्ट कर सकती है? हाँ, 37 पे स्टार्ट कर सकती है। 32 पे कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मशीन ए ने अभी काम किया ही नहीं है। जब तक मशीन ए काम करके नहीं देती, प्रोसेस करके नहीं देती, तब तक मशीन बी भी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो इसको कितने घंटे इंतजार करना पड़ा? 5 घंटे। कितना घंटा लेगी ये काम करने के लिए? 1 घंटे में काम खत्म। 35 पे सी स्टार्ट कर सकती है? नहीं, 38 पे करेगी,
तीन घंटे इसको भी इंतजार करना पड़ा। कब काम खत्म होगा? दो घंटे बाद, यानी 40वें घंटे। क्या 39 पे ये स्टार्ट कर सकती है? नहीं, 40वें घंटे में तो सी ने काम खत्म किया है, तो एक घंटा इसको इंतजार करना पड़ेगा। 40 पे ये स्टार्ट करेगी और दो घंटे बाद यानी 42 पे ये काम खत्म कर। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला पूछा जाएगा आइडल टाइम ऑफ ऑल मशीन्स। मशीन ए कितनी देर फ्री रही? सिंपल है, मशीन ए ने 37 में खत्म किया, मशीन डी ने 42 में खत्म किया। तो 42 और 37 में कितना डिफरेंस है? 5 आवर्स का। तो मशीन ए को 5 आवर्स के लिए वेट करना पड़ा। तो बाकी मशीन्स का आइडल टाइम फाइंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं है। मशीन बी का कैसे फाइंड आउट करना है? इसका आइडल टाइम तो हमें दिया ही हुआ है, तो 5, 4, 9, 4, 5 इन सबको प्लस करेंगे। 5, 4, 9, 4, 5 और साथ में किसको प्लस करेंगे? जो मशीन बी का आउट टाइम है 38 और 42 का डिफरेंस, यानी कि 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 31। सिमिलरली मशीन सी का कितना आएगा, ये भी हमने साथ साथ कैलकुलेट किया था, 8, 3, 11, 4, 3। तो 8, 3, 11, 4 और 3 इसमें हम क्या प्लस करेंगे? जो मशीन सी का लास्ट आउट टाइम है और लास्ट मशीन का आउट टाइम का डिफरेंस, जो कि 2 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 31 आवर्स। और मशीन डी का आइडल टाइम कितना है, वो भी हमें दिया हुआ है, 11, 6, 4 और 1। ये आ जाएगा 22 आवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके अलावा आपको एक और चीज पूछ सकते हैं, आइडल टाइम के अलावा आपको पूछा जा सकता है यूटिलाइजेशन रेशियो, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइज, मतलब आपने मशीन कितनी यूटिलाइज की। तो ये क्वेश्चन, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला जो ये फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, यूटिलाइजेशन टाइम यानी यूटिलाइजेशन परसेंटेज, कितने परसेंट आपने अपनी मशीन को यूज किया है। तो फॉर्मूला है टोटल टाइम माइनस आइडल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मशीन ए का यूटिलाइजेशन टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो ऑब्वियसली हमारी मशीन 42 आवर्स में अपना वर्क कंप्लीट कर रही है, 42 आवर्स में। मशीन ए का आइडल टाइम कितना है? मशीन ए कितनी देर फ्री रही? 5 टाइम्स, मतलब 5 आवर्स, 42 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आएगा 88%। यानी हमने अपनी मशीन ए को 88% यूज की है, वो ज्यादा फ्री नहीं थी, वो 12% ही फ्री थी। ऐसे ही बाकी मशीन्स का भी अगर आइडल टाइम एग्जाम में पूछते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला के। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था। आई होप बहुत ही अच्छे मैनर में आपको ये समझ आ चुका है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।